लॉकडाउन का चौथा दिन है और पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से तैनात है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी चेक की जा रही हैं। हमारे साथ में एसपी ग्रामीण साहब हैं, लांगे साहब हैं। सर, किस तरह से चेकिंग अभियान किया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लोगों को? चेकिंग अभियान में सबसे ज़्यादा खास तौर पर जो ध्यान दिया जा रहा है वो है एसेंशियल कॉमोडिटीज़, जो ट्रक आ रहे हैं, जो ढाले आ रहे हैं, जिसमें फल, सब्जियां, दूध और जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं उनको बिल्कुल नहीं रोका जा रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमने जो पिकेट्स लगा रखी है, बैरियर लगा रखे हैं, वहाँ पे उनको रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि क्या सामान है, पासिस देखे जा रहे हैं, तभी उनको ट्रक्स को आगे भेजा जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, जो लोग कुछ इधर से उधर दूसरी तरफ जाने जा रहे हैं उनको प्रयास किया जा रहा है कि कुछ तो जितने रुक सकते हैं यहाँ पर उनको कम्युनिटी सेंटर्स में वहाँ पर रुकवाया जाएगा, और जितनों का हमारी तरफ से सहयोग हो सकता है उनका हम भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस ये है कि जो यहाँ पे जो पुलिस कार्य कर रही है, जो अपने जेब खर्चों से जो है बिस्कुट है, चाय है, पानी है, वो करवा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए सनी कुमार।